उसको ऊपर करो जाओ सुबह की धूप चली गाइस मतलब मेरे साथ नहीं नहीं आई नो ही डजंट ईट दैट मच और काफी खुंबा है अब ये जाने अभी हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग और यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि कल मेरा दरवाजा बंद था और मैं खोल ही नहीं पाई थी। याद है मैंने आपको घर की जो पूरा अपना टेम्परेरी घर दिखाया मैंने अंदर से दिखाया था क्यों क्योंकि मुझसे दरवाजा खुल नहीं रहा था। तो अभी मुझे प्रिंस ने सिखाया है कि दरवाजा कैसे खुलता है मतलब मेरे अंदर ताकत नहीं थी मैंने इतने ज्यादा एफर्ट नहीं किया सो ऐसे बस अब नीचे करो धक्का मारो थोड़ा ओके मुझे जान ज्यादा लगानी चाहिए थी है ना हाँ। ये लॉक हुआ ये नहीं लॉक हुआ इसको ऊपर करो ये लॉक हो गया हाँ। है ना और अब लॉक ये ठीक है अनलॉक किया अभी वो नीचे करो अरे मुझे थोड़ी जान लगानी चाहिए थी यार मैं ऊपर नीचे कर रही थी क्या हो गया इसको गोल 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 घुमा रही हूँ ठीक है ठीक है आज भी जा सकती हूँ। सो गाइस इधर बन रही है गरम गरम चाय अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड अच्छा लग रहा है एंड विवा आप जा रहे हो जिम और मैं जो सुबह सुबह फ्रेश तैयार हो गई हूँ पूजा पूजा करके मैं क्या कर ये वाली धूप अच्छी लगती है पांच मिनट बैठो यही रहना व्लॉग ऑन कर कर हमारा तो चल रहा है रोज ढाई बजे की धूप का भी तीन बजे का भी चल रहा है तुम बताओ हाँ धूप लो ना उधर क्यों देख रही हो बैक साइड पे ले दी हाँ लो 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 ये धूप चाहिए अच्छी चाहिए अच्छी चाहिए फ्रंट बैक साइड गाइस ये होता है मतलब मेरे मुझे विटामिन डी चाहिए मुझे मेरी बैक पे फेस पे नहीं चाहिए प्रिंस को दिखा रहा है ओके गाइस सब लोग उठ गए हैं सबकी म्यूजिक म्यूजिक सुनाई देने लगे हैं देखो कपड़े वपड़े ऑलराइट गाइस सो आई एम वेटिंग फॉर माय ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं हो चुकी हूँ अच्छे से तैयार और मैं पता है कितने बजे उठ गई थी सुबह फाइव ओ क्लॉक उठी मैं फिर 6:30 उठी फिर मैंने कहा 7:30 इज टू मच नाउ आई शुड जस्ट फ्रेशन अप एंड गेट रेडी और मैं हो गई हूँ तैयार। सो गाइज इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम चलिए लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नाउ देवा ये ड्राई फ्रूट्स खाओ पहले अब बनाई जाए चाय फटाफट ये फ्रेश जूस का पी लो मेरे लिए बनाना सही ये देखो मतलब कितने ज्यादा लोग यहाँ पे वो हो गए हैं खाने तो दो मुझे बताएंगे अब आप नहीं नहीं आई नो ही डजंट ईट दैट मच मैं तो कह रही यार फ्रेश आ रहा है खाना नहीं खाना वही है उल्टा उल्टे टाइमिंग तो उल्टी चीज़ें गाइस। सो गाइस अभी हो गई है दोपहर का टाइम हो गया है सुबह मैंने आपको दिखाया ही था अच्छा खासा वेदर और अब हो गई अच्छी खासी धूप इस धूप में तो बाहर में क्या ही जाऊँ सॉरी आप बोर मत हो जाना ये देखो अंधेरे में जाना ही पड़ता है हमारी कॉम्प्लेक्शन को क्या हमारी कॉम्प्लेक्शन को खराब करना ही पड़ता है टास्क है आज कितने टास्क होंगे एक टास्क होगा फिर रात को वोट आउट मजा आएगा आज तो मैं आऊंगी वोट आउट वाले कपड़े जैकेट वगैरह मेरी ले लेना तू भी ले रही हो जैकेट इसके ऊपर पहन लीजिए वीडियो कल का ये वेलवेट ये क्या है ये वेलवेट आपका सो गाइस मजा आने वाला है रोज ही मजा आता है शूट में कुछ ना कुछ हो रहा है सो इट इज इंटरेस्टिंग उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूडीज मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और प्रिंस का ब्रेकफास्ट हमेशा हर चीज में लेट पेपर क्यों ऐसा तो मैं जाता हूँ हमेशा मेरी पत्नी पहले खाए फिर बाद में मैं खाऊं क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट करने जाता हूँ वर्कआउट मैं एमपी से करता हूँ बनाना वाले खाते तो मैं फुल खा कर तो नहीं जा सकता ना वर्कआउट करने के लिए
और अभी खाऊंगा देखो फ्रूट्स पड़े हैं पोहा बस देखना गाइस सिर्फ देखने के लिए खाऊंगा कुछ नहीं खाए एक एक दो दो स्पून ये खाना है फ्रूट्स भी ऐसे रह जाने और लंच का टाइम लंच में ब्रेकफास्ट हो रहा है ठीक है डिनर के टाइम पे लंच करना जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है खाने कोई कोई स्ट्रेस नहीं है स्ट्रेस लेते हो तो होता है स्ट्रेस स्ट्रेस कुछ नहीं सोचो तो स्ट्रेस ना सोचो कोई गाइस यहाँ हो रहा है रूम लॉक और यहाँ हम चल रहे हैं फाइनली मैं आज सेट पे जा रही हूँ गाइस मैंने इतने दिन आराम किया है सामान ले रही हूँ गाइस मैं अपना चलिए गाइस अब निकल रहे हैं मुझे उल्टा लग रहा है सीधा नहीं लग रहा बस ये है कि उल्टा लगे चलेगा उल्टी नहीं आ रही वॉमिट नहीं आ रहा तो अभी हम लोग टॉप पर हैं ऊंचाई पर हैं बाहर की और अब हम जा रहे हैं नीचे गांव में जा रहे हैं क्या हम इस पहाड़ पे आप तो कुछ शूट नहीं कर सकते हैं उस पहाड़ पे सिर्फ हम रहते हैं डांस वगैरह करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है तो हम नीचे भी नहीं रह लेते हैं इतना ऊपर से है ना इतनी मेहनत एक घंटा वेस्ट होता है सबका अब तक आप नजारे हम लोग निकल गए हैं और अब देख सकते हैं पहाड़ी इलाका और यहाँ आने वाले हमें चक्कर इसलिए इस तरह की रोड चलने वाली है पतली सी रोड एक घंटे का रास्ता है क्या हालत हुई हमारे मुझे खुद ही नहीं पता जल्दी तो गाइस प्रिंस के हाथ में लगी है चोट ये टाइटल होने वाला है प्रिंस के हाथ पे लगी चोट रोडीज में और काफी खून बहा है अब ये जाने अभी वहाँ होटल जा रहा है कहाँ जा रहा है होटल 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 यही लगा दे होटल वरना अगर आपको रात को लगाना तो रात नहीं नहीं अभी लगा देगा ये क्या है मैं खुद ही लगा दूंगा उसको फिलहाल इसको इंजेक्शन लगना है तो हमारे डॉक्टर साहब मुझे आज पहला क्लाइंट होगा मतलब पेशेंट होगा आज बहुत पेशेंट हो गया आज बहुत हो गया मेरे सामने तो पहले शिविर तो क्या मैंने अरे एक ही लड़का था मेरे पास शिविर उसका पैर खराब हो गया तो मेरे को लगता है भैया गाड़ी से निकल जाएगी सीधा मुंबई एक्टिंग वाले सर लगा दो अभी स्टैंड पे चलते हैं आप बहुत बड़े फैन है कह रहा मैं तीन को भी ले लूंगा सर टेंशन मत लो टेंशन मैं कहा तू एक को ले मैंने कहा था सर अगर मैं बॉल से पहले गिर गया तो वो मैं कहा यही तो गेम है बॉल भी नहीं है बॉल भी नहीं है कह रहा अच्छा कह रहा फिर बॉल लेके जाऊं मैं कहा 6 आवर्स लेटर सो गाइस वी आर बैक फ्रॉम द शूट मजा आ गया मेरा तो वेट हमेशा ये रहता है कि फटाक से हमारा पैकअप हो और हम जाएं और मैगी खाएं मैगी मैगी डे मैगी डे मैगी डे मजा आ गया गाइस शूट में इसका मैं वेट करती हूँ जल्दी से पैकअप हो जाए और हम निकले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता सो बट एनीवेज इट वाज नाइस गुड फन एवरीबॉडी वाज नाइस इंक्लूडिंग मी चलिए अब मैं करती हूँ गुड नाइट आई विल सी यू टुमारो